जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमारी 10th क्लास की बुक्स फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, उनके चैप्टर्स भी कर रहे हैं साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर भोली, चैप्टर 9, जो आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था, ये जो बच्ची है जिसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम सुलेखा है। और सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसके बचपन से ही सब लोग उसको भोली नाम से बुलाते थे, या फिर हम कह सकते हैं सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है थोड़ी अनाड़ी या कम अक्ल वाली लड़की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इस बच्ची को इस नाम से बुलाया जाने लगा? क्या ये शुरू से ही ऐसी थी, बचपन से ही ऐसी थी, या इसके साथ कुछ घटनाएं घटी जिसकी वजह से ये ऐसी हो गई? ये सब जानने के लिए हमारे को पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को पूरा डिटेल में। तो चलिए आगे देखते हैं। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की वो चौथे नंबर की बेटी थी। When she was 10 months, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, वो चारपाई से नीचे गिर गई थी। On her head, and perhaps it had damaged some part of the of her brain, और जब वो cot से नीचे गिरी तो उसके सिर का यानी उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो damage हो गया, यानी वो क्षतिग्रस्त हो गया। That was why she remained a backward child and come to be known as Bholi, the simpleton. इसीलिए जो वो बच्ची है उसको backward की श्रेणी में वो आ गई, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में वो आ गई, उसकी श्रेणी में वो आ गई, and come to be known as Bholi, the simpleton. और उसका नाम जो है वो Bholi पड़ गया, क्योंकि उसको जल्दी से कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी। Cot का मतलब होता है पालना, damage यानी क्षतिग्रस्त होना। At birth, the child was very fair and pretty. बचपन में वो जो बच्ची थी वो बहुत ही खूबसूरत, very fair यानी बहुत ही ज़्यादा गोरी, and pretty बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। कौन बच्ची? सुलेखा, यानी जिसका नाम भोली है। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. जब वो 2 साल की हुई तो उसको smallpox हो गया, यानी जो माता है वो निकली। Only the eyes were saved. खाली उसके जो आँखों का जो हिस्सा था चारों तरफ का, बस उतना ही बचा, बाकी पूरे शरीर पर उसके चेचक के दाग हो गए। But the entire body was permanently disfigured. Permanently मतलब होता है स्थायी रूप से, और disfigured का मतलब होता है विकृत, और पूरा जो उसका शरीर था वो disfigured हो गया, यानी विकृत रूप उसने धारण कर लिया। By deep black pock marks. क्योंकि वो जो निशान थे, जो चेचक के निशान थे, वो पूरे उसके चेहरे पे, पूरी बॉडी पे रह गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और जब वो 5 साल की हुई तब तक वो बोल भी नहीं पाती थी। वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और आखिर में जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकला हकला के बोलती थी। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकला के बोलना। द अदर चिल्ड्रन यानी बाकी के जो बच्चे थे, ऑफन प्राय उसका फन यानी मजाक, मजाक बनाया करते थे ऑफ हर, एंड मिमिक्ड, मिमिक्ड का मतलब होता है नकल करना, और उसकी नकल किया करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसका नतीजा यह हुआ कि वो बहुत कम बातें किया करती थी। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना, और मिमिक का मतलब होता है नकल उतारना। रामलाल हैड 7 children, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons, 3 तो उसके बेटे हैं, एंड 4 daughters, और 4 उसकी बेटियां हैं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उन बेटियों में, बेटे बेटियों में सबसे छोटी जो है वो भोली है। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध, ये एक बहुत ही समृद्ध किसान का घर है जिसमें सब कुछ खाने पीने के लिए उपलब्ध है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कितना खाओ कितना पियो सब कुछ उनके पास उपलब्ध है। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, कि सभी बच्चे जो उसके हैं वो मजबूत भी हैं और स्वस्थ भी हैं, सिर्फ भोली को छोड़ के। The sons had been sent to the city to study in schools, और जो बेटे हैं उनको शहर भेज दिया गया है यहाँ पे स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई वहाँ पे जारी रख सकें। And later in colleges, और बाद में उनको कॉलेज में भी भेजा
गया. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. और बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम राधा है उसकी पहले ही शादी हो चुकी है. द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. और दूसरे नंबर की जो बेटी है मंगला उसकी भी शादी जो है वो तय की जा चुकी है. वेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. और जब उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद में वो अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोचेगा. दे वर गुड लुकिंग. वो जो बच्चियाँ हैं वो सारी के सारी दिखने में बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट अ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. और इतनी खूबसूरत और इतनी स्वस्थ हैं, इतनी अच्छी लगती हैं कि उनके लिए दूल्हा देखना या ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है रामलाल के लिए, ब्राइड ग्रूम्स यानी दूल्हा. बट रामलाल वॉज वरिड. लेकिन रामलाल चिंतित है. किसके बारे में चिंतित है वो? अबाउट भोली. भोली के बारे में वो सबसे ज़्यादा चिंतित है. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट. नीदर मतलब होता है ना ही तो वो उसके लुक्स अच्छे हैं यानी वो दिखने में अच्छी है, नॉर यानी और ना ही वो इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट का मतलब होता है अकलमंद या बुद्धिमान होना. वरिड मतलब चिंतित. तो वो इसीलिए चिंतित है क्योंकि ना तो वो अकलमंद है, ना वो बुद्धिमान है और ना ही वो खूबसूरत है. भोली वॉज 7 years ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड. जब भोली 7 साल की है और मंगला की शादी हो चुकी उसी समय उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खुलता है जो कि लड़कियों के लिए है, फॉर गर्ल्स, क्योंकि अभी तक वहां पे कोई विद्यालय नहीं था इसीलिए कोई भी बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ बच्चों को यानी लड़कों को ही रामलाल ने पढ़ाया था. द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. सेरेमनी मतलब होता है समारोह. और इस ओपनिंग समारोह में यानी ये जो समारोह हुआ इस विद्यालय के खोलने के उपलक्ष में उस समय तहसीलदार जो थे वहाँ के वो वहाँ पे पधारे. और ही सेड टू रामलाल. और उसने रामलाल से कहा तहसीलदार ने, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन विलेज. आयकर अधिकारी होने के साथ साथ तुम क्या हो कि इस गांव के एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो, यानी गांव को तुम आगे प्रेजेंट भी करते हो. तो एक बहुत ही इज्जतदार और जाने माने व्यक्ति होने के कारण एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स. इसलिए तुम्हारे को गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तुम्हें अपनी बेटियों को विद्यालय भेजना चाहिए. तो जब प्राथमिक विद्यालय गांव में खोला गया तो तहसीलदार ने रामलाल को कहा, क्योंकि अब विद्यालय बच्चों के लिए खुल गया है, छोटी बच्चों के लिए, तो तुम अपनी बेटियों को यहाँ पढ़ने के लिए ज़रूर भेजोगे ताकि गांव वाले जो लोग हैं वो इससे प्रेरणा लें और वो भी अपनी बच्चियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि तुम एक जाने माने व्यक्ति हो और सरकारी कर्मचारी भी हो. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ. उसी रात जब रामलाल ने ये सारी की सारी जो बात है वो अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करी, कंसल्टेड का मतलब होता है परामर्श लेना, उसने उससे बातचीत करी, उसका सुझाव मांगा, शी क्राइड. वो बहुत गुस्सा हो गई और वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी. क्रेजी का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़, क्या तुम बेवकूफ़ हो. इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. कि अगर लड़कियाँ विद्यालय जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, यानी उस ज़माने में लड़कियों का विद्यालय जाया जाना सुलेखा की जो माँ है उनके अनुसार सही नहीं था. तो वो सोचती है कि अगर लड़कियाँ स्कूल चले जाएंगी तो इनसे शादी कौन करेगा. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. करेज मतलब होता है हिम्मत और डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करना. लेकिन रामलाल में तहसीलदार साहब की बात को ना मानने का या अवज्ञा करने का कोई भी साहस नहीं था. वो उनकी बात को मना नहीं कर सकता था. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वॉट टू डू. आखिर में उसकी पत्नी उसको कहती है कि मैं बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो. सेंड भोली टू स्कूल. आप ऐसा करो, भोली को विद्यालय भेज दो. एज इट इज़ देर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड. क्योंकि उसकी शादी होने के बहुत कम चांसेस हैं, यानी बहुत ही मुश्किल है उसकी शादी हो पाए. इसलिए विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा बहुत बदसूरत है और उसमें दिमाग की भी कमी है. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर. कि वहाँ जो विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको उसकी टेंशन लेने दो, यानी इसको भेज दो तो अपनी बात भी रह जाएगी और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि इससे तो वैसे भी शादी के जो इसके चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड,
कम विथ मी। अगली सुबह रामलाल ने कॉट का मतलब होता है पकड़ना, भोली का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें विद्यालय लेके जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली जो है वो डर गई थी। फ्राइटेंड मतलब होता है भयभीत होना, डर जाना, और रिमेंबर्ड मतलब होता है याद रखना, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि विद्यालय क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ होता है, कुछ भी उसको पता नहीं था, उसको कोई आइडिया नहीं था। शी रिमेंबर्ड, सिर्फ उसको किस चीज़ के बारे में याद था, कि उसको एक ही चीज़ याद थी कि हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। सिर्फ कुछ दिन पहले उसकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, जिसका नाम था, हैड बीन टर्न्ड, उसको घर से बाहर ले जाया गया था और उसको सोल्ड यानी उसको बेच दिया गया था। नो, शी शाउटेड इन टेरर। शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाकर बोलना और टेरर का मतलब होता है डर। अब वो डर से चिल्लाई एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। ग्रिप का मतलब पकड़। और उसने अपना हाथ जो है वो अपने पिताजी की ग्रिप से, यानी अपने पिताजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया जो उन्होंने पकड़ रखा था। व्हाट्स द मैटर विथ यू, मैटर का मतलब होता है मामला, तुम्हारे साथ क्या मामला है। उसके पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हारे साथ क्या मामला है। यू फूल, अरे मूर्ख लड़की, शाउटेड यानी वो चिल्लाया, रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल में लेके जा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें विद्यालय लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स। डिसेंट का मतलब होता है उचित, अच्छे लगने वाले, उपयुक्त, और शाउटेड मतलब होता है चिल्लाकर बोलना। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसको कुछ ढंग के कपड़े पहनाओ, टूडे और एल्स वॉट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस। या तो आज या फिर आगे कभी जो स्कूल के जो अध्यापक हैं वो और वहाँ पे पढ़ने वाले जो स्कूल की लड़कियाँ हैं वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में, व्हेन दे सी हर, जब वो इसको देखेंगी। क्यों ऐसा उसने क्यों कहा, न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, क्योंकि भोली के लिए कभी भी नए कपड़े बनवाए ही नहीं गए थे, वो हमेशा पुराने ही कपड़े पहनती थी। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, जो उसकी बहनों के पुराने ड्रेसेस थी, कपड़े थे, वही उसको पहनने को मिलते थे। वर पास्ड ऑन टू हर, वो उसको आगे दे दिए जाते थे। पास्ड ऑन का मतलब एक बार पहनने के बाद में जब वो छोटे हो जाते थे या फिर ख़राब हो जाते थे तो वो भोली को दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई उसके कपड़ों का ध्यान नहीं रखता था, कोई उसको साफ़ सुथरे कपड़े नहीं देता था, ना उसके कोई कपड़े देता था, ना ही तो कोई उसके कपड़े धोता था, और ना ही कोई उसका ध्यान रखता था, ना उसको नहलाता धुलाता था। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो बहुत ही खुशकिस्मत थी। वाई, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, क्योंकि आज उसको एक साफ़ सुथरी ड्रेस मिली, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। जो श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना, जो काफ़ी सिकुड़ गई थी, जब हम एक ही कपड़े को बारी बारी धोते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, तो वो काफ़ी सिकुड़ गई थी बहुत बार धुलने के कारण, और अब वो चंपा को नहीं आती थी, यानी छोटी हो गई थी। तो चंपा की एक ड्रेस जो साफ़ सुथरी थी वो उसको पहनने के लिए मिली, हालांकि उसमें बहुत सारी सलवटें थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और आज उसको नहलाया गया, तेल लगाया गया उसके बालों में, और उसको मैटेड यानी जो उसके उलझे हुए बाल थे उनको भी सुलझाया गया, यानी आज तो उसको पूरा VIP ट्रीटमेंट मिला, बढ़िया नहलाया गया, बढ़िया बाल साफ किए गए अच्छे से, और पहनने के लिए चंपा की एक पुरानी ड्रेस जो सलवटों की भरी हुई थी लेकिन साफ़ सुथरी थी वो उसको मिली। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। ओनली देन, तभी उसको ये विश्वास हुआ, उसने शुरू किया विश्वास करना, बिलीव यानी विश्वास करना, कि उसको शी वॉज बींग टेकन, कि उसको ले जाया जा रहा है टू अ बेटर प्लेस देन हर होम, कि उसको अपने घर से ज़्यादा अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि इतनी तैयारियाँ करी हैं, उसको बढ़िया नहलाया है, तैयार किया है, तो कहीं अच्छी जगह ही ले जा रहे होंगे। वेन दे रीच द स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन द इन देयर क्लासेस। जब वो लोग, रीच का मतलब होता है पहुँचना, जब भोली और उसके पिता विद्यालय में पहुँचे तब बच्चे जो है वो पहले से ही अपनी अपनी कक्षाओं में, क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, और रामलाल ने, हैंडेड ओवर का मतलब होता है सुपुर्द करना, अपनी बेटी को जो वहाँ की प्रधान अध्यापिका थी, हेडमिस्ट्रेस
थी उनको सुपुर्द कर दिया, लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल। अब वो बच्ची जो है वो वहाँ पे विद्यालय में अकेली रह गई, पिताजी उसको हेडमिस्ट्रेस के पास छोड़ के चले गए। लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, फियर लेडन यानी डरे हुए भाव से। अब उसने चारों तरफ लुक्ड अबाउट यानी चारों तरफ देखा बहुत ही डरी हुई आँखों से। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे, एंड ईच रूम, और हर रूम जो था उसमें हर कमरे में गर्ल्स लाइक हर, उसके जैसी जो बच्चियाँ थी, स्क्वैटेड ऑन मैट्स। स्क्वैटेड का मतलब होता है आलती पालती मार के, जो हम बैठते हैं पाँव को मोड़ के, वैसे चटाइयों पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो किताब से पढ़ रही थी या फिर स्लेट के ऊपर कुछ लिख रही थी, पट्टी के ऊपर कुछ लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, जो प्रधानाध्यापिका थी उन्होंने भोली को भी कहा कि तुम बैठ जाओ। इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, कि एक उनमें से एक क्लास में उसने उसको बैठा दिया और कहा कि तुम भी जाके बैठ जाओ, तो वो कॉर्नर में कोने में जाके बैठ गई। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, भोली बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि विद्यालय जो है वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या कराया जाता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, ग्लैड्स यानी खुश, तो वो ग्लैड थी यानी वो बहुत खुशी थी कि उसके बराबर की बहुत सारी लड़कियाँ उसको वहाँ पे दिखाई दी, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, जो उसी की उम्र की थी, प्रेजेंट देयर, वहाँ पे उपस्थित थी। शी होप्ड, उसने उम्मीद करी दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसने ये सोचा कि इनमें से कोई ना कोई बच्ची शायद उसकी दोस्त बन जाए। माइट का मतलब होता है संभावना, उसको ये संभावना थी कि कोई ना कोई इन बच्चियों में से उसकी सहेली ज़रूर बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो जो अध्यापिका थी, महिला अध्यापिका, वो कक्षा में बच्चियों को कुछ कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, उसने वहाँ पर जो तस्वीरें थी उनकी तरफ देखा, ऑन द वॉल, और वो तस्वीरें कहाँ थी, दीवार पे थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित करना, उन चित्रों के रंगों ने उसको बहुत आकर्षित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन, अब क्या क्या चित्र थे ये आप याद रखेंगे कि वहाँ पे एक घोड़ा था जो ब्राउन कलर का था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, वो घोड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि तहसीलदार उसके ऊपर बैठ के आया था जब वो गांव का निरीक्षण करने आया था तब। द गोट वॉज ब्लैक, दूसरे नंबर पे क्या है, बकरी है, वो कैसी है, काली है, और वो किस तरह दिखाई देती है, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, वो उनके पड़ोस में जो एक बकरी है वैसी ही काली दिखाई देती है। द पैरट, और तोता वॉज ग्रीन, बिल्कुल हरे रंग का तोता, लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड, और तोता, ऑर्किड मतलब होता है बगीचा, जैसा तोता उसने बगीचे में देखा था, आम के बगीचे में, बिल्कुल वैसा का वैसा उसी रंग का उसको वो तोते का चित्र भी वहाँ पे दिखाई देता है। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर, और जो गाय थी वो बिल्कुल वैसी थी जैसी उनकी लक्ष्मी, यानी जो उनकी गाय थी लक्ष्मी नाम की, वैसी ही दिख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक, सडनली मतलब अचानक, भोली ने देखा दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि उसके बगल में टीचर खड़ी हुई थी, स्माइलिंग एट हर, और टीचर का कैसा नेचर था, वो उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, अध्यापिका ने बहुत ही प्यार से उससे पूछा। भ भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, यानी हकला के वो सिर्फ भ भ भो तक ही बोल पाई, हकलाती रही और उसके आगे वो नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई, एंड उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया, क्राई मतलब रोना, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आँखों से अश्रुधारा यानी जो आंसू हैं वो बहने लग गए। स्टैमर मतलब हकलाना, हेल्पलेस मतलब बेबस, और उसकी आँखों से बेबसी से जो आंसू हैं वो टपकने लग गए, और बहुत ही ज़्यादा एक साथ, जैसे कि बाढ़ आ गई हो आंसुओं की, इस तरह से आंसू टपकने लग गए और वो रोने लग गई। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, कॉर्नर यानी कोना, उसने अपना सिर नीचे कर लिया जिस कोने में वो बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देखे, रोते रोते उसने अपना सिर नीचे कर लिया था। एट द गर्ल्स हु
शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, क्योंकि अब उसकी ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपना चेहरा ऊपर उठाए और उन लड़कियों की तरफ देखे जो उसको देख के हंस रही थी, क्योंकि वो हकला रही थी और अपना नाम भी नहीं बता पाई थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बज गई, all the girls scurried out of the classroom. Scurried का मतलब होता है बहुत तेज़ी से चलना, जैसे आप लोगों के स्कूल की छुट्टी हो जाती है, आप सब लोग भागते हो ना एक साथ भीड़ में झुंड बना के, उसी तरह से when the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी हुई, all the girls scurried out of the classroom, सब बच्चियाँ जो हैं वो कक्षा से बाहर की तरफ भागी, but भोली dared not leave her corner. डेड नॉट का मतलब होता है उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस कोने को छोड़े यानी वहाँ से बाहर आए। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और उसका सिर अभी भी नीचे की तरफ ही था और वो अभी भी सुबकियाँ भर रही थी, यानी सॉबिंग यानी रोना, तो वो अभी भी रो रही थी भोली। अब किसी ने उसको आवाज़ लगाई, भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। सूदिंग का मतलब होता है आराम देने वाली, कि जो टीचर की जो आवाज़ थी अध्यापिका की वो इतनी ज़्यादा अच्छी उसको लगी, इतनी ज़्यादा उसके दिल को छू गई। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी में उसको किसी ने भी इस तरह से इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, और इस बात ने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, और टीचर ने कहा खड़ी हो जाइए। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, भोली गॉट अप, और ये कमांड का मतलब होता है आदेश, जो टीचर ने कहा वो एक आदेश के रूप में नहीं कहा, एक फ्रेंडली सजेशन यानी एक दोस्त की तरह सलाह देते हुए कहा, मित्रवत प्रस्ताव रखा कि भोली खड़े हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर पसीना आ चुका था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान कराना, धोखा देना भी हो सकता है। अब उसको लगा कि मेरी हकलाने वाली जो जबान है वो कहीं मुझे दोबारा धोखा नहीं दे जाए जब अगर मैं नाम बोलूँगी तो। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, फॉर द सेक ऑफ दिस वुमेन काइंड वुमेन, ये यूज़ किया है टीचर के लिए, कि टीचर का मन रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत दयालु और बहुत अच्छी लेडी हैं, महिला हैं, तो मेक एन एफर्ट, शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया कि मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ। उसने मेक एन एफर्ट का मतलब उसने दोबारा कोशिश करी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, यानी इसकी इतनी अच्छी वॉइस है इस टीचर की, इतनी मन तक छूने वाली आवाज़ है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि उसको लगा कि ये मेरे ऊपर हंसेंगी नहीं, क्योंकि वो अध्यापिका और भोली दो ही जने क्लास में थी, तो उसने कहा मुझे एक बार कोशिश और करनी चाहिए, क्योंकि अध्यापिका बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है, ये हंसेंगी नहीं। भो शी बिगेन टू स्टैमर, और इतना ही बोल के उसने वापस हकलाना शुरू कर दिया। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर एंकरेज्ड हर, एंकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, टीचर ने उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करी। कम ऑन नाउ द फुल नेम, बहुत अच्छा बोल रही हो तुम, आगे कोशिश करो, तुम अपना पूरा नाम बताओ। भो भोली, और इस तरह से उसने अपना पूरा नाम बता दिया भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, आखिर में वो बोल पाई, अपना नाम पूरा बोल पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है चिंता मुक्त, और उसको अब किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, वो भयग्रस्त नहीं थी, अब अपने आप को बहुत ही सुकून में महसूस कर रही थी। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, जैसे कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, उसको नाम अपना बोल के बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली मतलब होता है प्यार से, टीचर ने उसका पीठ थपथपाई और कहा शाबाश, बहुत अच्छा। And said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. अपने मन से डर को बाहर निकाल दो और तुम बाकी के लोगों की तरह भी बोल पाओगी, यानी टीचर ने उसका हौसला अफजाई करी कि तुम डरो मत, डर को हटा दो और तुम बाकी बच्चों की तरह बोल पाओगी, ये मुश्किल नहीं है। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, उसने टीचर की तरफ ऐसे देखा कि वास्तव में ऐसा हो सकता है, आश्चर्य से, यस यस इट विल बी वेरी इजी, तो अध्यापिका ने कहा बहुत आसान है, ऐसा हो जाएगा। You just come to school every day. इसके लिए बस तुम्हें रोज़ विद्यालय आना होगा। Will you come? क्या तुम आओगी?
भोली नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, भोली ने अपना सिर हिलाया और कहा नो से इट अलाउड, तो टीचर ने कहा कि नहीं जोर से बोलो, यस उसने जवाब दिया कि हाँ एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, एस्टोनिश का मतलब होता है अचंभित होना, भोली खुद भी अचंभित थी कि उसने उस टीचर की बात का जवाब दिया था और उसने कहा था हाँ, डिंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, उसने कहा कि अब मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बोल पाओगी, देखो तुमने बोला था, बोल लिया ना, और वो उसको फिर एक किताब देती है, द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, उस किताब के अंदर बहुत ही खूबसूरत चित्र थे, द पिक्चर्स वर इन कलर, और किस चीज़ के चित्र थे, डॉग का चित्र था, कैट का चित्र था, गोट का चित्र था, हॉर्स, पैरेट, घोड़ा था, तोता था, शेर था एंड काऊ, और गाय भी थी जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, उन चित्रों के साथ में बड़े बड़े मोटे अक्षरों में उनके नाम भी लिखे हुए थे, इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम ये किताब पढ़ने लग जाओगी, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, इसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी, देन अ स्टिल बिगर, फिर उसके भी बड़ी किताब दूंगी, इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और थोड़े ही समय में तुम इस गाँव में जितने लोग भी शिक्षित हैं, जिनको भी ज्ञान है, उनसे ज़्यादा ज्ञानी बन जाओगी, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी हंसेगा नहीं, तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं बनाएगा, पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी तरफ रिस्पेक्ट से देखेंगे और तुम्हारी बात को बहुत ही रिस्पेक्ट से, यानी बहुत ही अच्छे भाव से, आदरपूर्ण भाव से तुम्हारी बात सुनेंगे, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हकलाए हुए, बिना रुके बोल पाओगी, अंडरस्टैंड, समझ गई, नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो इन द मॉर्निंग, अब अपने घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना, ये सारी की सारी बातें जो विद्यालय में हुई, बच्ची इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन उसको मिला और प्रेरणा मिली और उसने सोच लिया कि वो विद्यालय रोज आएगी, भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द टीयर्स इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड, भोली फेल्ट एज इफ सडनली, भोली को ऐसा लगा कि अचानक ऑल द बेल्स, सारी घंटियां जो हैं इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की सारी घंटियां जो हैं बजने लग गई हैं, एंड ट्रीज इन फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस, जो स्कूल के यानी विद्यालय के बाहर जो पेड़ थे, हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, कि उनमें बड़े बड़े लाल फूल खिल गए हैं, ऐसा उसे अनुभूति हुई, हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और थ्रोबिंग मतलब धड़कना, उसका जो दिल है वो नई उम्मीद से धड़क रहा था, उसका ऐसा लग रहा था उसको नया जीवन मिल गया हो, दस द ईयर्स पास्ट, और इस तरह से जो ये दिन है आगे बीतते चले गए, द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, गांव जो था वो अब कस्बे में बदल गया, छोटा जो प्राइमरी विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय जो था वो अब हाई स्कूल में यानी हाई स्कूल में बदल गया था, देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, गांव में एक सिनेमा हो गया था, बन गया था, जो एक टिन शेड के नीचे था, एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन की एक बनाने वाली जो मिल होती है वो भी वहाँ पे बन गई थी, मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और डाक वाली जो गाड़ी है वो भी उनके गांव के रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई थी, वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक दिन रात को उसके पिता रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर सब प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दूँ, यानी उसका प्रस्ताव मान लूँ, अभी बिशंबर कौन था, येस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से मान लो, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, बहुत खुशकिस्मत होगी हमारी बेटी भोली जिसको कि इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव और ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, अ बिग शॉप अ हाउस ऑफ हिज ओन, अब उसने कहा उसके पास बहुत बड़ी दुकान है, खुद का घर है, एंड हेयर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और बैंक में भी उसके हज़ारों रुपए हैं, मोर ओवर उससे ज़्यादा ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और उससे ज़्यादा वो किसी दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है, यानी वो दोनों पति पत्नी भोली की शादी की बात कर रहे थे,
दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो. वो कहता है वो तो ठीक है लेकिन तुम जानती हो कि वो जवान नहीं है. ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. लगभग मेरी ही उम्र का वो आदमी है. एंड ही ऑल्सो लिम्स. लिम्स का मतलब होता है लंगड़ा के चलना और वो ऊपर से लंगड़ा के भी चलता है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन ओवर. मोर ओवर यानी और इससे अगर और ज़्यादा देखें तो उसके बच्चे जो उसकी पहली पत्नी से हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं. सो वॉट डज़ इट मैटर. तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, भोली की जो माँ है उसने कहा. हिज वाइफ रिप्लाइड. उसकी रामलाल की पत्नी ने कहा 45 या 50 इट्स नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. ये कोई आदमी की बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है. वी आर लकी. हम खुशकिस्मत हैं दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज. कि वो दूसरे गांव से है एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. और ये अच्छी बात है कि उसको उसके चेतक के जो दाग हैं जो उसके चेहरे पे है उसके बारे में नहीं पता और उसमें दिमाग की भी कमी है ये भी वो नहीं जानता. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. अगर हमने इस प्रस्ताव को नहीं माना शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. हो सकता है उसे पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही रहना पड़े. येस बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से. लेकिन रामलाल कहता है कि मैं पर सोचता हूँ भोली क्या कहेगी. वॉट विल दैट विटलेस वन से. विटलेस का मतलब होता है बुद्धिहीन. तो वो अपनी बेटी को बुद्धिहीन मानती थी तो उसने कहा कि वो बुद्धिहीन क्या कहेगी. शी इज़ अ डम काउ. डम मतलब होता है मूक यानी घूंगी. वो तो एक घूंगी गाय की तरह है. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. मटर्ड मतलब धीरे धीरे बोलना. तो रामलाल ने कहा कि हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट. यानी भोली जो है वो अभी भी सोई नहीं थी. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड यानी आंगन के दूसरे कोने में भोली सोई नहीं थी, जगी हुई थी, अवेक थी. लिसनिंग टू हर पेरेंट्स. वो अपने माँ बाप की बातों को सुन रही थी. विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन. विस्पर्ड यानी फुसफुसाहट में वो लोग जो बातचीत कर रहे थे. कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत. उनकी बातचीत को वो सुन रही थी. विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर. विशंबरनाथ जो है वो एक अच्छा खासा पैसा कमाने वाला एक ग्रॉसर था, दुकानदार था, पंसारी था. ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर दी वेडिंग. शादी वाले दिन वो अपने बहुत सारे ही केम विथ अ बिग पार्टी यानी बहुत सारे गाजे बाजे के साथ वो आया जिसमें उसके दोस्त भी थे, उसके रिश्तेदार भी थे और वो वहाँ पे शादी के लिए पहुँचा. अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन. प्रोसेशन का मतलब होता है बारात. उस जो बारात थी उसके आगे एक बहुत बड़ा बैंड जो है वो बजते हुए चल रहा था और बहुत ही शानदार बारात आई थी. विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स. डेकोरेटेड का मतलब होता है सजा सजाया. और बहुत ही सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा हुआ विशंबरनाथ बारात लेके उनके गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचा. वो घोड़े पे बैठा था. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. पॉम्प यानी ठाट बाट और स्प्लेंडर यानी धूमधाम. इतनी धूमधाम से आई हुई, इतनी ठाट बाट से आई हुई बारात को देख के रामलाल जो है वो काफ़ी खुश हुआ. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है उसकी इतनी भव्य बारात आएगी, इतनी बड़ी उसकी शादी होगी. भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेशन. और इस शादी में, इस पर्व में शामिल होने के लिए, समारोह में शामिल होने के लिए जो भोली की बहनें आई थी वो भी वर एनवस ऑफ हर लक. एनवस का मतलब होता है उससे जलन करना. वो उससे जलन कर रही थी कि देखो इसकी ये कितनी बदसूरत है, हकलाती भी है और इसकी बारात जो है वो इतनी शानदार आई है. वो उससे ईर्ष्या करने लगी. व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड. और जब ये ऑस्पिशियस मोमेंट आया यानी जब वो स्वर्ण घड़ी आई जिस समय शादी प्रारंभ हुई तो प्रीस्ट यानी पुजारी ने कहा ब्रिंग द ब्राइड कि दुल्हन को लेके आओ. भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर. सेक्रेट फायर का मतलब होता है पवित्र अग्नि के पास में भोली को लाल साड़ी में वो लिपटी हुई वहाँ पर उसको लाया गया. लाल रंग की सिल्क की दुल्हन की ड्रेस में वो वहाँ आई और उसको दुल्हन जहाँ बैठती है उस जगह पे बैठाया गया पवित्र अग्नि के पास. गार्लैंड द ब्राइड
वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है उकसाना, तो उसमें जो उसके दोस्त खड़े थे विशंबरनाथ के, उन्होंने में से किसी एक ने कहा कि भाई तुम दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मारीगोल्ड, पीले मारीगोल्ड फूलों की जो माला थी, जैसे ही दूल्हे ने उठाई पहनाने के लिए दुल्हन को, अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, वेल मतलब होता है घूंघट, एक औरत ने जो भोली थी उसने जो सिल्क की साड़ी पहन रखी थी उसका जो घूंघट था उसको खींचा, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, उसके चेहरे से पीछे खींच दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है दृष्टि डालना, और तुरंत विशंबर की जैसे ही नज़र उसके चेहरे के ऊपर पड़ी, द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, ठहर गई, यानी जो माला थी वो वहीं ठहर गई, उसने वो माला उसको पहनाई नहीं क्योंकि अब उसकी नज़र भोली के चेहरे पर पड़ गई थी। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ऑन ओवर हर फेस, हालांकि भोली ने वापस से अपना जो घूंघट है उससे अपना चेहरा ढक लिया था। हैव यू सीन हर, तो वो कहता है कि क्या तुमने उसको देखा, दुल्हन को देखा। सेड विशंबर टू हिज फ्रेंड, विशंबर ने अपने दोस्त से कहा, नेक्स्ट टू हिम, जो उसके पास में खड़ा था, शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे चेचक के दाग हैं। सो वॉट, तो क्या हुआ, यू आर नॉट अ यंग इधर, तो उसके दोस्त ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो, तुम भी तो बूढ़े हो, कहने का मतलब, मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, पर वो कहता है कुछ भी हो, अगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी है तो इसे मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन फॉर हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, और अब रामलाल ने अपना जो साफा है वो विशंबर के चरणों में रख दिया कि ऐसा मत करो, इस तरह से मेरी बेइज्जती मत करो, क्योंकि उसने क्या करा था, दहेज की मांग की थी, उसने कहा मेरे सम्मान को ऐसे ठेस मत पहुँचाओ। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, यानी मुझे इतने सारे लोगों के सामने अपमानित मत करो। टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, नहीं 5,000 रुपये नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, और अपनी बेटी को अपने घर पे ही रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा बहुत तो कुछ बात को मानो, कंसिडरेट मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि थोड़ा बहुत तो कुछ इसको ऊपर नीचे कर सकते हो पैसों को, प्लीज़ यानी कृपया करके। इफ़ यू गो बैक I can never show my face in the village, कि अगर मेरे आप वापस चले गए, बारात वापस चले जाएगी, तो मैं अपना चेहरा कभी भी अपने गाँव वालों को नहीं दिखा पाऊँगा, यानी वो बहुत शर्मिंदा महसूस करता है भोली का पिता। देन आउट विथ 5,000 रुपीज़, फिर वो जाता है और 5,000 रुपये लेके आता है, टीयर्स स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब बहते हुए, उसकी आँखों से बहुत आंसू बह रहे थे क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा सा हुआ। हिज फेस, उसके चेहरे पे, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, वो अपने घर से सेफ में से गिनकर पैसे लेके आया, नोटों को उसने गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो 5,000 रुपये जो नोट वो गिन के लाया था उसने विशंबरनाथ के चरणों में रख दिए। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्फिट स्माइल, ग्रीडी मतलब लालची, ट्रम्फिट यानी विजयी, और अब जो रामलाल था उसके चेहरे पर एक विजय के भाव आ गए, वो बहुत खुश था जैसे कि मैंने कुछ जीत लिया हो। ही हैड गैम्बल्ड ऑन वन, उसको ऐसा लगा कि मैंने जुआ खेला और मैं जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, और उसने कहा कि लाओ मुझे अब माला दे दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अब की बार जब उसने माला पहनाने के लिए हाथ उठाया तो दोबारा से दुल्हन का जो चेहरा था उसके ऊपर जो घूंघट था वो दोबारा से खींचा। दिस टाइम, लेकिन अब की बार, हर आइज़ वर नॉट डाउन कास्ट, अब की बार उसकी आँखें झुकी हुई नहीं थी, जब पिछली बार माला पहनाने के लिए विशंबर ने हाथ उठाया था तो उसकी नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन इस बार जब उसने माला पहनाने के लिए हाथ उठाया तो भोली की आँखें झुकी हुई नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। शी वॉज लुकिंग अप, वो बहुत ही गर्व से ऊपर की तरफ देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और अपने होने वाले पति की आंखों में देख रही थी। एंड हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना ही तो नफरत थी और ना ही गुस्सा था, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, खाली एक तिरस्कार के भाव से वो उस आदमी के चेहरे की तरफ देख रही थी। विशंबर रेज द गार्लैंड, विशंबर ने जैसे ही माला को उठाया, टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में डालने के लिए, बट बिफोर शी कुड
बट बिफोर ही कुड डू सो, ऐसा वो करता इससे पहले क्या हुआ, भोली's हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक, स्ट्रीक मतलब लकीर, तुरंत भोली का हाथ जो है उसने उसके हाथ से वो माला छीन ली, ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, बिजली की तरह उसका हाथ बढ़ा, उसने वो माला छीनी और उसको फेंक दिया आग के अंदर, शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और वो खड़ी हो गई और उसने अपना जो घूंघट है उसको भी हटा दिया, पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बहुत ही साफ और एकदम तेज आवाज में उसने कहा पिताजी, टू हर फादर एंड मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन स्लाइटेस्ट स्टैमर, यानी उसकी ये आवाज उसके पिता ने सुनी, माँ ने सुनी, बहनों ने सुनी, भाइयों ने सुनी, रिश्तेदारों ने सुनी, पड़ोसियों ने सुनी और सब लोग स्टार्टल्ड यानी सब अचंभित थे ये देखकर कि वो बिल्कुल भी हकलाई नहीं और उसने तुरंत जोर से कहा पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक यानी हक्का बक्का, रामलाल एकदम हक्का बक्का रह गया कि ये क्या कर दिया भोली ने। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो वहाँ पे आए हुए अतिथि थे उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, सो शेमलेस सो अगली एंड सो शेमलेस, कि कितनी ज़्यादा बेशर्म और कितनी ज़्यादा बदसूरत है ये लड़की, फुसफुसाने लग गए वो। भोली आर यू क्रेजी, एक ने कहा कि भोली क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, शाउटेड रामलाल, जैसे ही रामलाल ने भी उसको कहा कि भोली क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, यू वॉन्ट टू डिस्क्रेस योर फैमिली, डिस्क्रेस यानी अपमान, कि तुम अपने परिवार का अपमान कराना चाहती हो, हैव सम रिगार्ड्स फॉर आवर इज्जत, कि हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, भोली ने कहा पिताजी आपकी इज्जत के लिए ही मैं ऐसा कर रही हूँ, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैंने आपकी इज्जत के लिए ही इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी, बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेड कोवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं अपने पति के रूप में इस तरह के ग्रीडी यानी लालची, कंटेम्प्टेबल यानी नीच और कोवर्ड यानी डरपोक और कायर आदमी को अपना पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी, आई वोंट नहीं करूँगी, नहीं करूँगी और कभी नहीं करूँगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज हार्मलेस डम, वहाँ खड़ी हुई औरतें बात करने लगी कि देखो कितनी ज़्यादा बेशरम लड़की है, हमने सोचा था कि ये तो गूंगी गाय की तरह है। भोली टर्न्ड वॉयलेंटली, हार्मलेस यानी सीधी सादी, डम यानी मूक, वॉयलेंटली यानी हिंसात्मक ढंग से, हार्टलेस यानी निर्दयी, तो बहुत ही हिंसात्मक ढंग से भोली मुड़ी ऑन द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत की तरफ, और उसने कहा यस हाँ बिल्कुल आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो आंटी, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काओ, आप सब लोग मुझे समझते थे कि मैं एक गूंगी गाय ही हूँ, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इसीलिए आप इसे मुझे इस बिना दिल वाले व्यक्ति के पल्ले बांधना चाहते थे, इसके साथ मेरी शादी करना चाहते थे, बट नाउ लेकिन अब द डम काओ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, कि अब वो जो गूंगी गाय है, हकलाने वाली जो लड़की है, मूर्ख लड़की, वो अब बोलने लग गई है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, आप और भी कुछ सुनना चाहती हो। विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अब विशंबरनाथ को समझ में आ गया कि शादी तो होगी नहीं, वो खड़ा हुआ और अपनी बारात को लेके वापस रवाना हो गया। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, अब वो जो बैंड बाजा बजाने वाले लोग थे वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आया, असमंजस में थे कि क्या हुआ, उनको लगा शायद शादी हो गई और बारात वापस जा रही है, तो उन्होंने विदाई गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड हिज हेड बोर्ड विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, रामलाल स्टूड रूटेड मतलब जड़वत, रामलाल को ऐसे लगा जैसे उसके पाँव जमीन में जम गए हों, उसका सिर जो है वो झुका हुआ था, एंड वेट ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, दुख और शर्म से उसकी जो आंखें हैं वो झुकी हुई थी, उसको ऐसा लगा कि उसके पांव यहीं ज़मीन पे जम गए हैं, वो इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र अग्नि जो जल रही थी वो धीरे धीरे बुझ गई, एवरी वन वॉज गॉन, सब लोग चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और उसने कहा एंड सेड बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, पर अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा।
वॉट शेल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी. अब सुलेखा ने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज़ में जवाब दिया पिताजी का, डोंट यू वरी, आप चिंता मत करिए पिताजी. इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आपकी बूढ़ी अवस्था में जब आप बूढ़े हो जाओगे, वृद्धावस्था में मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दूँगी, टीचर बन जाऊँगी जिसमें मैंने खुद पढ़ाई सीखी. सो मच, दैट्स राइट मैम, और उसने अपनी टीचर की तरफ देखकर कहा, इज़न्ट दैट राइट मैम, कि क्या ये सही नहीं है. अपनी टीचर की तरफ देख के जैसे ही उसने ये बात कही, द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, जो अध्यापिका थी वो पूरे इतने देर से वहाँ खड़े खड़े इस पूरे नाटक को देख रही थी, कोने में खड़ी थी. येस भोली, ऑफ कोर्स, और उसने कहा कि हाँ भोली, बिल्कुल सही है. शी रिप्लाइड एंड हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ हर डीप. येस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, बिल्कुल सही कह रही हो. शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. एंड हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी उसमें बहुत बड़ा संतुष्टि का भाव था अध्यापिका के चेहरे पे, दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस. और ये किस तरह का भाव था, जिस तरह से कोई कलाकार अपनी कोई ऐसी पेंटिंग बनाता है या कोई ऐसी कृति बनाता है जिस पे उसको गर्व होता है कि ये आज उसने अपना मास्टरपीस बना दिया है, वैसी ही अनुभूति उस टीचर को आज भोली यानी सुलेखा को देखकर हो रही थी, क्योंकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो गई थी, बोलना सीख गई थी और उसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी. तो टीचर के लिए बहुत बड़ा एक गुरु दक्षिणा की तरह था, जो उसको महसूस हुआ कि मैं किसी एक बच्ची की ज़िंदगी को चेंज करने में कामयाब हुई हूँ. वो बहुत ही संतुष्टि के भाव से वहाँ पर खड़ी ये सब चीज़ें देख रही थी, और उसने भोली को कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक किया. सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्ट, स्टडी मतलब स्थिर, कंटेम्पलेटिंग मतलब ध्यान करना, कंप्लीशन यानी समाप्ति, और मास्टरपीस यानी उत्कृष्ट कृति. तो हमने देखा कि किस तरह से कहानी के अंत में जो भोली नाम की बच्ची है, सुलेखा जो है, वो एक मास्टरपीस की तरह टीचर ने उसको कहा है कि वो अपने जीवन में परिवर्तन लेके आने में कामयाब हुई, और उसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उसने विशंबरनाथ की बारात को लौटा के यह दिखा दिया कि लड़कियां किसी की मोहताज नहीं हैं. शिक्षित व्यक्ति अपने पाँव पे अगर खड़ा है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है. तो आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, तब तक आप लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कर लीजिएगा और चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा. स्वस्थ रहिए, थैंक यू.